लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को शिवनाथ वाटिका राजनांदगांव में किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। सम्मेलन में भाजपा राजनांदगांव मंडल के उत्तर, दक्षिण व ग्रामीण मंडलों के कार्यकर्ता शामिल रहे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य को इठलाऊ, मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली, जिस पद पर जाए वीर अनेक, ऐसे पुष्प की अभिलाषा जो है ये एक सैनिक की अभिलाषा होती है, जो अपने सैन्य काल में वे प्रहरी तो पहले भी थे, आज भी प्रहरी है, और इस राष्ट्र के लिए जिन्होंने सर्वस्व समर्पित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर, चाहे वो कारगिल हो, बटालिक हो, कश्मीर की उस बर्फीली ऊंचाइयों में हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, ऐसे उन सैनिकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें जिन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी को आज इस गृह में प्रवेश किया है, परिवार में प्रवेश किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सम्माननीय, आज जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके देवतुल्य कार्यकर्ता यहां बूथ स्तर से लेकर जिला प्रदेश स्तर तक के राष्ट्रीय स्तर तक के नेता मौजूद हैं, मैं आप सबके मैं जोहार करत हूं, आप सबके मैं नमन करत हूं। और आज आप मन अपने स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला में, तो कर लिए बहुत बहुत आभारी, और मैं भी आप मन के हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। आप सबके मालूम है कि लोकसभा चुनाव के शंखनाद हो चुके से हमारे छत्तीसगढ़ में तीन चरण में लोकसभा के चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण में सिर्फ एक लोकसभा के चुनाव होना है बस्तर के 19 अप्रैल, और दूसरे चरण में 26 अप्रैल दूसरे चरण में आप मन के राजनांदगांव के चुनाव संपन्न होना है। और ये समय हमला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक के रूप में हमारे देश की सेवा करीन है, हमला तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं, कैसे चल रही दोनों हाथ ला ठीक से उठा के तीसरी बार बनाना है ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार, तो कर ले क्या करना पड़ी, आप मन के राजनांदगांव लोकसभा से भी संतोष पांडे जिला सांसद बना के भेजना पड़ी पड़ी ना, और आप मन के संतोष पांडे जी पुराना आदमी है, संगठन में काम कर चुके हैं, महामंत्री और कई पद में सांसद भी रहे ने पिछले बार, रोक देश गैस के सिलेंडर देना रोक देश कई ठन हमारे गरीब मन के हित के कामला एक कांग्रेस की सरकार है रोक देश, और आज वही सरकार के मुखिया यहाँ प्रत्याशी बन के आई से पाटन के जनता विधायक के रूप में वाला चुने रही से, लेकिन आज हमारे अनुज जी बोलते रहे कि पाटन के जनता मन खोजत है कि ओकर विधायक कहाँ घुमागे, और आज यहाँ आगे से फिर वोट ठगे बार 5 साल तो खूब ठगी से ना छत्तीसगढ़ के व्यवस्था जो हमारे 15 साल के सरकार में हमारे रमन सिंह शुरू करे रहे वाला फिर शुरू कर वो, तो ये सब काम होने वाला है, और 3 महीना में इतना काम करे हम विश्वास होते कि नहीं होते ना, तो आप मन विश्वास करा और मतदाता मंथन जावा
और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के लिए वोट मांगा, ये छत्तीसगढ़ के सारा विकास होने वाला है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हैं, एक एक वादा पूरा कर दो। हमर नीति ठीक है, हमर नियत ठीक है, और छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा बहुत है, वन संपदा बहुत है, यहाँ के माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, और आप सब मेहनत कर किसान हैं। कोई तरह से हमारे प्रदेश गरीब नहीं रहे, आप उनके आशीर्वाद चाहिए। मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त कर रहा था कि तेजी से छत्तीसगढ़ के विकास होगी, और हर क्षेत्र के हर वर्ग के जो भी आवश्यकता है वो सब आवश्यकता की पूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी। हमारे और भी दो कार्यक्रम में जाना है, और आप सब दो तुल्य कार्यकर्ताओं कितना चुनाव आप लड़ा चुके हो, जिता चुके हो, लेकिन अमन तो बोला था, लेकिन हमारे से भी ज्यादा बोला या नीचे बैठी नहीं। तो आप सबला मतदाता मन के बीच में जाना है, एक भी घर छोड़ना नहीं है, हर व्यक्ति ला संतोष पांडे बनना है कि नहीं, हर व्यक्ति ला संतोष पांडे बनना है, एक एक घर एक एक मतदाता